ओके गॉयज ओके गॉइज तो वी वर ऑन द चैप्टर थर्टी सिक्स हम कवर कर चुके थे आप नाउ अब हम चैप्टर नंबर थर्टी सेवन कवर कर रहे हैं ब्लड के अंदर सो चैप्टर नंबर थर्टी सेवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी ओके स्टार्ट में आपको प्लेटलेट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स नज़र आएंगे वो आपने पढ़ लेने अच्छे तरीके से मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन आपको आना चाहिए ठीक है ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना आता है चलो इस चैप्टर के एंड पे होगा उसको नहीं देखना अभी देन आपको आना चाहिए कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन ये आपको चीज आनी चाहिए कन्वर्जन ऑफ टू थ्रोमिन कैसे होती है फिगर थर्टी सेवन पॉइंट टू लिखी हुई है इसको आपने पढ़ना है पहले ठीक है देन आगे आ जाए तो आपको फाइवलीनोजिन का रोल नजर आएगा ठीक है थ्रोम्बिन से एक्शन ऑफ थ्रोबिन और फाइब्रीन फॉर्म फाइब्रिन मतलब कि जो फाइब्रीनों है फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है थ्रोम्बिन का क्या रोल है ये पता होना चाहिए क्लॉट रिट्रक्शन क्लॉट रिट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस सी क्यू आता होता है ये आपको आना चाहिए देन बच्चे आपको बड़े डिटेल में एक्सट्रेंसिक पाथवेयर इंट्रेंसिक पाथवे लिखे होंगे ये सिर्फ आपको इसकी फिगर्स आपको कर लेनी चाहिए थर्टी सेवन पॉइंट थ्री फिगर है थर्टी सेवन पॉइंट थ्री ये आपने करनी है इंट्रेंसिक पाथवे के लिए एंड फिगर नंबर इस थर्टी सेवन पॉइंट फोर ये आपने इंट्रेंसिक पाथवे के लिए करनी है ये पाथवेज आपको दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपको ये ड्रॉ करने के लिए आने चाहिए पेपर के अंदर ये सिनेरियो देगा और ये पूछेगा कि भाई फलां फ हिंट दे तौर तो पर ये हिंट्स आपको आपकी आपकी कॉलेज एग्जाम में देंगे या कुछ भी होगा अब मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई एक्सट्रेंसिक पाथवे किस में चलता है या इंटेंसिक पाथवे किस में चलता है बच्चे ऑलवेज रिमेंबर जब भी वो जो है ना डिस्कस करेगा जो है ना कॉलेजन से कॉन्टैक्ट जब भी मतलब कि कॉलेजन से कॉन्टैक्ट होता है तो मतलब वो इंटेंसिक पाथवे है जब वो ब्लड वैसल या स्किन से कॉन्टैक्ट है तो वो एक्सटेंसिक पाथवे ऑब्वियसली ठीक है और कट विद नाइफ ड्यूरिंग शेविंग अगर कट लग जाए रोड साइड एक्सीडेंट आ जाए एक्स्ट्रा का कोई भी वो हिंट देगा तो फिर वो पूछेगा कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा तो आपने बताना है एक्सटेंसिक पाथवे अगर वो बताता है कि टेस्ट ट्यूब है कॉलेजन uh, के साथ कॉन्टैक्ट हो गया है बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है कोई वायरस इन्वेड हो गया है तब आपने हमेशा जो है वो इंटेंसिक पाथवे बताना है ठीक है एक्सटेंसिक पाथवे इंटेंसिक पाथवे दोनों के मैं एग्जाम्पल्स बता चाहूंगा बच्चे एक और बात पेपर के अंदर अक्सर वो पूरा अब कंफ्यूज देने के लिए बताता होता है कि माइनर इंजरी माइनर तरीन इंजरीडलिक लिखना है ना तो लिखना है ये सिंपल फिर आपने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन लिखनी होती है ठीक है तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंटली आस्ट क्वेश्चन होते हैं वाइवा के अंदर भी या बेस्ड तो ये आपको चीजें आनी चाहिए इनको अच्छे तरीके से कर लेना देन कैल्शियम का रोल क्या होता है एंड पाथवे के अंदर कुछ इंट्रावस्क्यूलर एंटी कॉगुलेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं हैपेरिन का क्या रोल है एंटी थ्रोमिन थ्री का क्या रोल है देन फाइब्रीनोलाइसिस क्या होता है पी टी टी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट इज दैट इज इंपॉर्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई बच्चे अब आगे है ना जो कंडीशन दैट कॉजे एक्सेसिबिलिटी ब्लीडिंग ह्यूमन पहले तो इनके आपको नाम आने चाहिए देन वाइटामिन के क्या कौन से फैक्टर्स वाइटामिन के का रोल प्ले कर रहे होते हैं मतलब के वाइटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं वो टेन है नाइन है सेवन है टू है ये आना चाहिए वाइटामिन के कैसे क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है ये पता होना चाहिए पहले हेमोफीलिया आना चाहिए हेमोफीलिया की टाइप्स आनी चाहिए थ्रोम्बोसाइटोपीनिया आना चाहिए थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया पर प्यूरा क्या होता है ये पता होना चाहिए आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपीनिया क्या होता है क्लासिक 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 हिमोफीलिया क्या है वॉन विलब्रेन डिजीज़ क्या है ये बताना चाहिए बच्चे एक और हिंट ले लो सिनेरियो के अंदर जो वो सिनेरियो देता है हिमोग्लो हिमो हिमोफीलिया हीमो, हीमो, का भी वो सिनेरियो देता है और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का भी सिनेरियो देता है Whenever, whenever, whenever he is going to talk about the hemophilia, तो याद रखो कि जो आपका clotting time increase, ये एक उसने hint दिया होगा और bleeding time जो है वो normal होगा That is for the hemophilia, ठीक है लेकिन hemophilia की एक type है von Willebrand disease, उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर उसने bleeding time हो या clotting time हो दोनों को बढ़ा के बताया होगा तो ये आपने guess कर लेना ठीक है Then thrombocytopenia, thrombocytopenia का तो एक तो hint उसने दिया होगा कि भाई जो आपका प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हुआ हुआ इसके साथ जो वो हिंट देगा ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज, तो इंक्रीज कर जाता है ऑब्वियसली बात है प्लेटलेट डिक्रीज करें तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट हिंट फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ और ये आता होता है देन जो है थ्रोबेम्बोलिक कंडीशन सारा का सारा एंड तक सिर्फ एक रीड दे दो बच्चे देन जो है ना आ जाते हैं एंटीकॉगुलेंट फॉर क्लिनिकल यूज ये इंपॉर्टेंट है कि पेरिन का क्या रोल है कॉमेरिन क्या होता है वॉर क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके नाम आने चाहिए देन उसने पूछा एंड पे बताया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन आउटसाइड द बॉडी हम अगर हमने ब्लड फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना एक पेशेंट का ब्लड ले लिया हमने अब हमने एक कंटेनर के अंदर स्टोर करना है एक ब्लड बैग के अंदर स्टोर करना है तो उसके अंदर क्या करते हैं तो वो क्लॉट नहीं होता तो ये कुछ फैक्टर्स आपको आने चाहिए देन देन बच्चे मोर

बच्चे अब ब्लड को कंक्लूड करते हुए मैं इतना जरूर बताऊंगा कि पहले हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर से हमें क्वेश्चन कौन कौन से दिए फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन लिस्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स हाँ ये अब एक क्वेश्चन था इन लिस्ट क्लॉटिंग फैक्टर इसका निमोनिक बना लो कुछ भी इसका निमोनिक होता था कि हमारा एक हमने एक फ्रेश पार्टी वाला एक निमोनिक बनाया था आप कुछ भी बना सकते हो ये एक ऐसी क्यों आता होता है मैकेजम ऑफ कॉगुलेशन ये इंटेंसिक एक्सटेंसिक ये मैंने बताया कि प्रॉफ के अंदर सीनाज आते होते तो हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सीनारीज आ जाते होते हैं आपने सीनाज़ करने हैं ठीक है क्लॉटिंग इन बीकर आ जाए तो इंट्रेंसिक फैक्टर है अगर शेविंग कट का आ जाए तो एक फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंटली आस्ट जो है ना एग्जाम्पल्स हैं दैट्स वे उन्होंने यहाँ पर भी कोट की हुई है ठीक है दो एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं तरह आगे आ जाता है फाइब्रीनोलाइसिस क्या होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन अ नॉर्मल वस्क्यूलर सिस्टम ये आपको पता होना चाहिए ठीक है इंट्रा वस्कुलर एंटीलॉगलेंट्स uh, होते हैं दैट्स वे वो नहीं होता इन इनलिस्ट वाइटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स ये मैंने आपको पहले ही बताया है हीमोफीलिया थर्मोसाइटोपिनिया उसके बाद जो है वॉफर थेरेपी क्या होती है ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरिन क्या है वाइटामिन ये सारे क्वेश्चन है ऑलरेडी डिस्कस्ड वीडियो गाइज ठीक है नाउ गाइज जो ब्लड फिजियोलॉजी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ब्लड फिजियोलॉजी को जब आप गाइडन से एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपने ब्लास्ट पेपर्स को नहीं भूलना बच्चे पास्ट पेपर्स हर टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चे पेपर अगर ब्लड के अंदर से आना हो मुश्किल पेपर आना हो तो वो देता होता है कि भाई सिनेरियो देता है हीमोग्लोब हिमोग्लोबी सॉरी हिमोफीलिया का सिनेरियो देता है पीनिया का सिनेरियो देता है इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर का एक सिनेरियो देता है ये शेविंग कट वाला और जो अ, 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 जो है ना टेस्ट ट्यूब वाली एग्जांपल तो अक्सर ही पूछी जाती है ये मुश्किल साइड ऑफ पेपर है लेकिन अगर आसान पेपर देना हो तो पूछता था डिफाइन इंफ्लेमेशन वॉरिंग ऑफ इफेक्ट क्या है उसके बताओ जो है ना लाइन ऑफ डिफेंसिस बता दो उसके बाद एनीमियाज़ का सिनेरियो दे देता होता है मतलब कि पेपर मुश्किल भी आ सकता है आसान भी आ सकता है उसके अंदर रेथोब्लास्टोसिस फिटैलिस अक्सर दे देता होता है ये कुछ पेट क्वेश्चन हैं ये तो आपको आने ही आने चाहिए इन पर माफ़ी नहीं होती और यही आपसे वाईवा में भी पूछे जाएंगे एनीमियाज के सीनरियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिकीमोफीलिया थ्रोमोसाइटोपिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रेथोब्लास्टोसिस फिटैस इनके सीनारी आर वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर खोलोगे आपको बहुत से ऐसे सीनारी मिल जाएंगे उनकी प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है बाकी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है कौन सा कर लोगे तो काम चलेगा कौन सा नहीं छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा ये वो चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ और ये जो मैंने सीनारीस बताए हैं ये एनीमियाज अनिमियाज बच्चे इतने इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू नो अनिमियाज यू विल बी एबल टू डू अनीमियाज़ इन पैथोलॉजी अगर वहाँ पर आते हो तो देन फिजिकली मतलब अनीमिया इतना कॉमन है कि तो अगर आप घर में से किसी अपने किसी एक बंदे की ब्लड रिपोर्ट देखते हो तो उसके अंदर आपको ई उसके अंदर आपको नॉर्मल जो है उसका हीमोग्लोबिन रेट उसका एम सी सब कुछ दिया होता है तो वहाँ से आप पकड़

कैसे करना है कैसे नहीं करना आई होप ये ब्लड की जो चार पांच पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई थी हर टॉपिक को डिस्कवर क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन इट एंड यू शुड बी नोइंग कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है और कौन सा नहीं एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज अप टिल नाउ इन ब्लड एंड इन सेल तो आप उसी रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो इनशाला आई एल बी रिप्लाइंग टू यू गायज कि कौन सा टॉपिक आपको कवर कहाँ से करना है अगर फिर भी समझ नहीं आती तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड आई एल बी रिप्लाइंग टू यू गायज थैंक यू गाइज